दोस्तों, क्या हो अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। दोनों ही देश सबसे शक्तिशाली और करीबी दुश्मन हैं। चीन दुनिया के सामने खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए कई आधुनिक हथियार और सेना की संख्या दिखाते हैं। मिलिट्री पावर की रैंक की बात करें तो पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है रशिया, तीसरे नंबर पर है चीन और चौथे नंबर पर है भारत। अगर भारत और चीन की बात करें तो भारत चीन से एक कदम पीछे है। क्या असल सच्चाई में भी हमारी मिलिट्री पावर चीन से कमजोर है? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका और भारत, जो दोनों ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। चीन के पास जितने भी आर्मी और हथियार हैं, उसमें से 50% आर्मी अमेरिका के लिए ट्रेंड है और 50% आर्मी भारत के लिए ट्रेंड है। भारत की सालाना मिलिट्री बजट $72 बिलियन है, तो वहीं पर चीन की सालाना मिलिट्री बजट $252 बिलियन है। मिलिट्री डिफेंस बजट में चीन की बजट भारत से 4 गुना ज्यादा है, लेकिन चीन के पास विदेशी कर्ज $2.4 ट्रिलियन है, तो वहीं पर भारत के पास सिर्फ $572 बिलियन कर्ज है। अगर चीन अपनी सेना पर $252 बिलियन प्रति साल खर्च करता है, तो उनके पास विदेशी कर्ज भी बहुत ज्यादा है, जिसे उन्हें कभी न कभी चुकाना ही पड़ेगा, तो इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिलिट्री संख्या की बात करें तो भारत के पास एक्टिव मिलिट्री 14,55,500 है और रिजर्व में 21,43,000 है। वहीं पर चीन के पास एक्टिव मिलिट्री 21,85,000 है और रिजर्व में सिर्फ 11,70,000 है। मिलिट्री संख्या में भारतीय सेना की संख्या चीन से ज्यादा है, ये भारत के लिए एक प्लस पॉइंट है। चीन के पास जितने भी मिलिट्री हैं, उनमें से 50% अमेरिका के लिए है और 50% भारत के लिए है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ चीन है। इसलिए भारत की जितने भी मिलिट्री है, वो सभी चीन को ध्यान में रखकर ट्रेन किया गया है। अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत को ज्यादा सेना की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और चीन के बीच दो सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा है, जिसे चीन चाहकर भी पार नहीं कर सकता है। पहला है भारत और चीन के बीच का 60% बॉर्डर नेपाल, जहाँ से वो घुसपैठ कर ही नहीं सकता है, और बाकी का 40% बॉर्डर सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये सभी पहाड़ी इलाके हैं, जिस पर चीन की सेना चढ़ाई करके इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, तो इंडिया पहाड़ी की चोटी पर से ही चीनी सेना को खत्म कर देगा। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत और चीन के युद्ध में बहुत काम आएगा, क्योंकि दोनों ही देश के बीच का बॉर्डर पहाड़ी इलाका एक दूसरे को आमने सामने से नहीं लड़ने देगा, इसलिए हमें विमान के माध्यम से ही युद्ध करना पड़ेगा। चीन के पास 1700 लड़ाकू विमान है, तो वहीं पर भारत के पास लड़ाकू विमान 900 है। चीन के पास ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन प्लस पॉइंट होने के बावजूद भी चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, एयरक्राफ्ट के अंदर जेट इंजन लगे होते हैं और जेट इंजन पेट्रोल पर चलता है और पेट्रोल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पहाड़ी इलाके में 2000 मीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं। चीन की एयरक्राफ्ट को भारत तक पहुंचने के लिए तिब्बत से गुजरना होगा और तिब्बत पूरा पहाड़ी इलाके है, जहाँ पर कई 8,500 मीटर की ऊंची ऊंची पहाड़ी है, और ऐसे में चीन ज्यादा वजनी मिसाइल लेकर पहाड़ी की ऊंचाई से उड़ान भर के नहीं आ पाएगा, क्योंकि 8,000 से 9,000 मीटर की ऊंचाई में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होते हैं, और ऐसे में ज्यादा वजनी मिसाइल लेकर इतनी ऊंचाई में जाएगा तो जेट इंजन को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और विमान वहीं पर क्रैश हो जाएगा। इसलिए चीन को पहाड़ी इलाके के अंदर से ही उड़ान भर के आना होगा। अगर वो पहाड़ी इलाके में से उड़ान भर के आएगा, तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और उसकी फ्यूल भी कम पड़ जाएगा, और हमारा एयरक्राफ्ट भूखे मुंह बैठा होगा। बॉर्डर क्रॉस करते ही चीनी एयरक्राफ्ट को कच्चा चबा जाएगा। अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो अटैक एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग करने में काम आता है। अगर किसी जगह पर बॉम्ब गिराकर उस जगह को तोड़ना है, तो वो काम इस एयरक्राफ्ट के द्वारा की जाती है। चीन के पास अटैक एयरक्राफ्ट 371 है, तो वहीं पर भारत के पास 172 है। चीन का एयरक्राफ्ट एक वार में 12 टारगेट पर हमला कर सकता है, तो वहीं पर भारत की एयरक्राफ्ट एक वार में 16 टारगेट पर हमला कर सकता है। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। चीन की इस एयरक्राफ्ट को भी तिब्बत क्रॉस करके ही आना होगा। चीन चाहे कितने भी एडवांस एयरक्राफ्ट क्यों न बना ले, वो प्रकृति के आगे हार जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। युद्ध में सेना को मिशन पर जल्दी भेजना बहुत जरूरी होता है, और इस काम को पूरा करता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। चीन के पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 224 है, तो वहीं पर भारत के पास 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। चीन को इस एयरक्राफ्ट में भी वही दिक्कत फिर से होगा, हैवी लोड के साथ ज्यादा ऊंचाई से तिब्बत क्रॉस नहीं कर सकता है, इसमें भी हमारा प्लस पॉइंट है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो हेलीकॉप्टर्स हवा के संपर्क में ही उड़ान भरता है, और ज्यादा हाइट में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान नहीं भर सकता है। चीन के पास 911 हेलीकॉप्टर है, तो वहीं पर भारत के पास 722 हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर की
संख्या में चीन आगे है, लेकिन भारत के पास तीन सबसे घातक हेलीकॉप्टर हैं। पहला है अपाचे हेलीकॉप्टर, जो दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर एक बार में 256 टारगेट को डिस्कवर कर सकता है और ये रडार को भी चकमा दे सकता है। इस हेलीकॉप्टर में कई सारे एडवांस सेंसर लगे हैं, जो दिन और रात के अलावा आंधी तूफान में भी उड़ान भर सकता है। भारत के पास अपाचे हेलीकॉप्टर की संख्या 22 है। दूसरा है चिनूक हेलीकॉप्टर, जो ज्यादा वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में दो पंखे लगे हैं, जिससे ये 11,800 केजी तक का वजन उठा सकता है। इस हेलीकॉप्टर की संख्या भारत के पास 15 है। तीसरा है MI-17V5, जो आर्मी तक भारी भरकम हथियार पहुंचाने में काम आता है। इसकी संख्या भारत के पास 151 है। टैंक्स की बात करें तो चीन के पास 33,000 टैंक्स हैं और भारत के पास 4,292 टैंक्स हैं। टैंक्स में चीन की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत और चीन के युद्ध में टैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के बीच का लक्ष्मण रेखा पहाड़ी इलाके है, जहाँ पर टैंक्स चढ़ाई नहीं कर सकता है। इसलिए भारत ने ज्यादा टैंक्स नहीं रखा है। टैंक्स सिर्फ भारत और पाकिस्तान के युद्ध में काम आएगा। आर्मर व्हीकल की बात करें तो आर्मर व्हीकल एक बुलेट प्रूफ व्हीकल होते हैं, जिससे आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। चीन के पास आर्मर व्हीकल 34,000 है, तो वहीं पर भारत के पास सिर्फ 8,686 है। चीन को आर्मर व्हीकल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि चीन का दुश्मन उनके चारों तरफ मौजूद पड़ोसी देश है, इसीलिए चीन के पास ज्यादा आर्मर व्हीकल है। लेकिन भारत का दोनों दुश्मन एक ही तरफ है, चीन और पाकिस्तान, इसीलिए भारत ने ज्यादा आर्मर व्हीकल नहीं रखा है। फायर एटलरी की बात करें तो भारत और चीन के युद्ध में ये बहुत काम आएगा, क्योंकि इसे हम चिनूक के द्वारा उठाकर पहाड़ों पर ले जा सकते हैं और युद्ध में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हुई कारगिल वॉर में इस हथियार का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ था, जिसकी संख्या चीन के पास 3600 है, तो वहीं पर भारत के पास 4060 है। भारत सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें रखता है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो रॉकेट लॉन्चर पहाड़ी इलाके में बहुत काम आते हैं, क्योंकि इसके द्वारा वार किया गया निशाना कभी चुकता नहीं है और ये पहाड़ी इलाके में आराम से जा सकता है। इसकी संख्या चीन के पास 2650 है, तो वहीं पर भारत के पास सिर्फ 266 है। नेवी शिप की बात करें तो यह समुद्री युद्ध में काम आता है, जिसकी संख्या चीन के पास 777 है, तो वहीं पर भारत के पास सिर्फ 285 है। लेकिन फिर भी चीन भारत का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन अपने दक्षिणी समुद्र को छोड़कर भारत से लड़ने नहीं आएगा। अगर वो दक्षिणी समुद्र को छोड़ेगा तो उसके आसपास मौजूद पड़ोसी दुश्मन उस पर हमला कर देगा, और भारत की महासागर में कोई दुश्मन नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यह समुद्र में जहाजों को उतारने के लिए बनाया गया होता है। ये जहाज इतने बड़े होते हैं कि इसके अंदर हम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी छुपा सकते हैं। चीन के पास ये जहाज 2 है, तो वहीं पर भारत के पास सिर्फ 1 है, जो बहुत ही पावरफुल है। चीन का सबसे बड़ा नेवी पावर सबमरीन है, जिसे हम पनडुब्बी कहते हैं। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। ये पानी के अंदर भी अटैक कर सकता है और पानी के बाहर भी अटैक कर सकता है। चीन के पास इस पनडुब्बी की संख्या 74 है, तो वहीं पर भारत के पास सिर्फ 17 है। चीन के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। भारत सरकार ने कहा था कि अगर हम पनडुब्बी को बनाएंगे तो इसमें कई साल लग जाएगा, इसीलिए भारत सरकार ने अमेरिका से P-8I विमान खरीद लिया, जिसे सबमरीन हंटर भी कहते हैं। ये एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते हुए सबमरीन को डिटेक्ट कर लेता है और ये ऊपर से ही सबमरीन को खत्म कर सकता है। भारत सरकार ने सबमरीन से टकराने का ये एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया है। तो दोस्तों, ये रही भारत और चीन की मिलिट्री पावर कंपैरिजन। दोस्तों, चीन सोशल मीडिया के जरिए खुद की संख्या को दिखाकर दुनिया को डराता है, लेकिन भारत और चीन के बीच असल सच्चाई क्या है, ये आज आपने इस वीडियो में देख ली है। इसलिए हमें कमेंट कर ये बताएं कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो इसमें विजेता किसका होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।